हेलो डियर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज आपको जो इस वीडियो में बताता हूँ कि ट्रिपल ITDM कांचीपुरम, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करने पड़ते हैं, कैसा किस तरीके से क्या करना पड़ता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है ITDM कांचीपुरम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। ठीक है, तो एडमिशन सारे प्रोसेस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लें, google.com, और फिर ITDM कांचीपुरम 2022 टाइप करना है। एग्जैक्टली आपको सर्च करना है, लास्ट में IAS पेपर जरूर टाइप करें। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको ITDM कांचीपुरम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे का सारा अपडेट और नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं। तो आपके जो है अप्लीकेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहते वो जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी, जल्द ही की जाएगी, बट अभी है नहीं। ओके, सो जब आप इस पेज पर आते हैं तो ये फॉर्म फिलअप ज़रूर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म को फिलअप करना है आपको। इस फॉर्म में अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, ताकि आप भी जो है अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी आपको ऑफ़र आते हैं अप्लाई करने के। ओके, सो यहाँ पर नॉर्मलाइज कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन बाय मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये 2007 में क्रिएट किया गया था, वॉज क्रिएटेड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, इन चेन्नई। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बताया गया। एकेडमिक ईयर 2017 टू 2018, 30 कंपनीज पैड विजिट कैंपस रिक्वायरमेंट। ओके, एंड LPA 13 LPA हाईएस्ट पैकेज ऑफ हैज़ बीन LPA ले लैंड कंसीडेंस। ओके ओके, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग सुन जल्दी होगा आपका, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट किया गया है। वो यूनिवर्सिटी का नाम है UPES यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, लास्ट है काजीरंगा यूनिवर्सिटीज़ में। आप इनमें से जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो काफ़ी ईजी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब यहाँ पर CCMAT का इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, स्टार्टिंग डेट कब किया जाएगा वो बता दिया गया है। ओके, लास्ट डेट कभी है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करने का, जुलाई में रिजोल्यूशन ऑफ एनी इशू रिलेटेड टू फी, राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 2022 को होगा, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग यहाँ पर बता दिया गया है जुलाई में होगा। तो इस तरीके से आपको डेट देख करके वो सारी चीज़ें करनी है। अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा वो बता देता हूँ, विल बी रिलीज इन सून स्टार्टेड। इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम्स थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ऑनलाइन SBI पोर्टल, स्टेट बैंक कलेक्ट मेन्यू। ओके, सो बता देता हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सारी इंफॉर्मेशंस, और जस्ट फॉर एग्जांपल पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, इंफॉर्मेशंस, ओके, एड्रेस, कॉन्टैक्ट रेजिडेंशियल डिटेल्स, एंड अकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बताया गया है कैसे किस तरीके से करना होता है, हाउ टू अप्लाई वो कैसे बताया गया यहाँ पर करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इज द मार्कशीट, ग्रेड हैव सर्टिफिकेट्स, SLC यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट, लास्ट क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऑथराइज डॉक्टरल सर्टिफिकेट, डिसबिलिटीज़। ओके, अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो
डॉक्टर ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट वो होगा आपके पास, तो वो लाना हो उसको भी सबमिट करना होगा। गेट स्कोर और यूजीसी और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओके, जो आप उस चीज़ में आप एलिजिबल हैं वही सारी चीज़ें सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी सारी नहीं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि कोर्स का नेम यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कोर्स मीन ओके बीटा कोर्स, ओके अगर आप बीटा कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर 12th कंप्लीट हो रहनी चाहिए फिजिक्स के साथ, और केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड मैथ्सिकल 75% विथ मार्क्स, ओके। सो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड 75% मार्क्स विद सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। सेकेंड वन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, ये सारे आपकी यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइजेशन ये होनी चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप रिज़ल्ट की तरफ। रिज़ल्ट आपका ऑफिशियली वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप रिज़ल्ट को चेक करना होता है तो वहाँ पे फील करना होता है जो आपका रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें फील करेंगे तब आप अपना रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी शो करेगा ऐसे ही नहीं शो कर सकता। जब आप अपना डिटेल फिल करेंगे तो आपका डायरेक्टली डिटेल के हिसाब से आपका पूरा जो रिज़ल्ट है मार्क्स है वो आपको दिख जाएगा रैंक कार्ड, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ पर स्कोर सोर्स, ओके सॉरी सोर्स है जो आपको रिज़ल्ट चेक करने का, ओपन क्लोजिंग का सोर्सेस, एडमिशन ओनली रैंक कार्ड, ओके। एडमिशन प्रोसेस होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल कंचीपुरम ऑफर करता है आपको कि बीटेक डिग्री प्रोग्राम इन 8 एरियाज, द मिनिमम मार्क एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर द पास 12th में, जिन्होंने पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ में कम्बिनेशन और इक्विवेलेंट, ओके, और बेस्ड है आपके परफॉर्मेंस पे इन जेई मेन एंड 12th एग्जामिनेशंस एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल थ्रू द काउंसलिंग कंडक्ट बाय द जोसा, ओके। सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है, जब परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड है आपको सारी चीज़ें बातों पे ध्यान देना है, और कुछ भी समझ नहीं आया आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक है, आपको क्लिक करके इस पेज पर आना, ताकि आप भी क्या कर सकें, अपना एलिजिबिलिटी जो है, अपना रिज़ल्ट है, अपना रिज़ल्ट अप्लीकेशन एडमिशन दो सारी चीज़ें, इस ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, डेट्स भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।